और अगर हमें पता चला कि खंडेराव की मौत के जिम्मेदार किसी भी तरह से आप है ना, तो सबसे पहले हम आपको सजा देंगे। सासू माँ, अगर हमें कुछ हुआ तो सजा आपको भी मिलेगी। हमारा खंडेराव तो चला गया, माना कि ये सब जामे साहेब नहीं किया है, लेकिन उसी की वजह से हमारा खंडेराव फिर भी द्वारका भाई साहब, हम इतना जानते हैं कि आपने उन्हें ये सब करने के लिए तो नहीं कहा होगा ना, तो फिर कभी इस पाप की आप जिम्मेदारी क्यों ले रही हैं? सीता भाई हमारी भी बेटी है, गुरुजी हमारे भी सावाई हैं, लेकिन अगर होलकर वाड़े के जावाई ने इतना बड़ा पाप किया है, इतना बड़ा घात किया है, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो उसकी ही है ना? हाँ, अगर बात नैतिक जिम्मेदारी की है कि है तो इस पाप के गुनहगार हम भी उतने ही हैं जितना आप है। नहीं अक्का साहब, नहीं, यहां भी
मैं आपसे आगे निकल गई। मैं जानती थी कि सावई साहेब के मन की लालसा मैं जानती थी। सालों से उन्हें मालवा की राजगद्दी पे बैठना था, यही अभिलाषा थी उनकी, और जाने अनजाने में मैं उनकी अभिलाषा को हवा दे रही थी। इस बार मालवा का महसूल इतना कम कैसे है? कम तो है तुकोजी, बहुत कम है, करीब करीब 50% है, आधा है ये। माफी सरकार, लेकिन इस बार मालवा के कई रियासतदारों ने मालवा की राजगद्दी को महसूल देने से मना कर दिया है। मना किया है मतलब? उनकी इतनी हिम्मत। सरकार, छोटे सूबेदार जी की मृत्यु और बड़े सूबेदार मलार सरकार का अचानक से निष्क्रिय हो जाना, इससे मालवा का माहौल बदल गया है। अब सभी को लगता है कि अब किसकी ताकत जो उन्हें आजाद रियासत होने से रोक सके। बगावत की हवा चलने लगी है, रियासतदारों को लग रहा है कि अब उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। क्या मतलब? हमारे अखंड मालवा में वो अपने छोटे छोटे राज्य बनाना चाहते हैं। ये हमारे मालवा राज्य की अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन जो भी ऐसे करेगा उसे परिणाम भुगतना होगा। देखा तुको जी, जिसका डर था वही हो रहा है। हमारी रियासतों में हमारे दरबार की पकड़ ढीली हो रही है। अब उन्हें यह लगने लगा है कि मालवा के तलवार की धार कम हो रही है। ये ठीक नहीं है, हमें आज ही बड़े सूबेदार जी से बात करनी होगी। बात तो करनी होगी, लेकिन आज नहीं, कल, क्योंकि कल मालवा के राज दरबार में सबसे बड़ा मुकदमा होने वाला है। जावई साहब, आपने, हमने आपसे कहा था आपको जो करना है कीजिए, लेकिन खंडेराव की जिंदगी पर आंच नहीं आनी चाहिए, और आपने वही किया। लालच में इतने अंधे हो गए थे आप कि सारे रिश्तों को रौंद के रख दिया। ये तक भूल गए आपके साथ और एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, सीता का। खंडेराव उसका भाई था। सासु भाई, ये ठीक नहीं। आप हमें हर बात के लिए दोषी ठहरा रही हैं। क्या आपने अपने लिए कभी सपना नहीं देखा था कि जो पदवी बड़ी सासु भाई की वो पदवी आपको भी मिलनी चाहिए? देखा था जावई साहब, लेकिन खंडेराव की बड़ी चढ़ा करने, रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहते थे। हम सब कुछ चाहते थे, लेकिन परिवार के साथ चाहते थे। हमने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, और आपसे भी यही उम्मीद रखी थी हमने, लेकिन आप महत्वाकांक्षा के घोड़े पर इतने तेज भाग रहे थे कि अंधे हो गए थे। जिस गद्दी पर बैठना चाहते थे उसे ही खून से नहला दिया आपने। पर खंडेराव की मौत दुश्मनों के हाथों होती ना तो हम सह लेते, लेकिन आपके हाथों
क्या गलत किया हमने? अरे भाई थाना आपका, हाँ ये सच है कि हम सीता के लिए खुशियां चाहते थे, सब कुछ चाहते थे। आपकी खुशियों में हम अपनी खुशियां देखते थे, आपकी कामयाबियों में हम अपनी कामयाबी देखते थे, लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में सोचा और किसी के बारे में नहीं। तो क्या गलत किया हमने सासु भाई? अगर हम राजगद्दी पर बैठते तो खुशियां आपको भी तो हासिल होती, आपकी बेटी सीता रानी बनती ना। लेकिन अब सती कह लाएगी जावे साहेब, मर जाएगी वो, और आपके मौत के बाद हम भी मर जाएंगे। गद्दी की लालच में इतने अंधे हो गए थे कि आपके दिल में खंडेराव के लिए नफरत पैदा हो गई थी, और उस नफरत की वजह से पता है क्या हुआ, अहिल्या विधवा हो गई, वाले राव मुक्ता अनाथ हो गए। जावे साहेब आपने अच्छा नहीं किया, शर्माती है मुझे आपको अपना जावई कहते हुए। काश मैं वक्त को बदल पाती, काश आप मेरे जावई ना होते। हाँ तो तोड़ दीजिए हमसे सारे रिश्ते सासु भाई, जाइए चली जाइए आप हमारे अपराध से वीजा छुड़ाकर। हमने अपराध किया है ना तो हम अकेले से मुकद्दर लेके जाइए आप सासु भाई। यही तो मेरा मना है ना जावई साहब, चाहकर भी ये नहीं कर सकते हम। हमारी हार है ये सबसे बड़ी हार कि चाहकर भी ये रिश्ता तोड़ नहीं सकते हम। सासु भाई आपको आज भी लगता है ना कि आपका हमसे रिश्ता है? सासु भाई हमें बचा लीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।